सो ऑलराइट गाइस, फाइनली लग चुका है एग्जॉस्ट हमारी बाइक में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट एक और बार, इसको सुन लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बाइक को। This is Lokesh and welcome back to another vlog. तो आज हमारी बाइक का बर्थडे, तो आज बाइक को फुल चमका देंगे हम और बाइक में जो भी काम है वो सब करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी सारी जो मॉडिफिकेशन थी वो सब तो मैं करा चुका हूँ अपनी बाइक में, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची है और वो है एग्जॉस्ट साउंड। तो बाइक में एग्जॉस्ट नहीं लगा है तो आज कराएंगे बाइक में एग्जॉस्ट का इंस्टॉलेशन। तो यार एक नंबर मजा आने वाला है और बाइक का साउंड हो जाएगा एकदम लाउड और फिर और भी ज्यादा मजे आ जाएंगे और R15 हमारी हो जाएगी खुश, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो बर्थडे गिफ्ट है अपनी R15 के लिए। तो आज कराएंगे बाइक में एग्जॉस्ट इंस्टॉलेशन। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बजे और अभी हमें सबसे पहले घर से निकलते हैं और देखते हैं बाइक के क्या हालात हैं। यो चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं बाइक को। तो ये है हमारी R15 V3 और यार इस पर धूल ही धूल हो रही है पूरी, आप देख सकते हैं मतलब। और टैंक पैड भी इसका निकल चुका है, टैंक पैड बिकॉज ख़राब हो गया था तो न्यू टैंक पैड भी लगना है। आज खर्चा करवाएगी बाइक तो खर्चा होना है। यहाँ पूरे में डस्ट जमी हुई है और यहाँ मड वगैरह थोड़ा बहुत। तो पहले तो बाइक को वॉश कराते हैं निकाल के जल्दी से और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें करवानी है बाइक में। चलने के लिए तैयार, बाइक करते हैं ऑन, बाइक करते हैं स्टार्ट। हो चुकी है बाइक हमारी एकदम वॉश और पूरी चमक चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब बाकी है पॉलिश करना, बट पॉलिश की ज़रूरत लग तो नहीं रही है लेकिन तब भी करना पड़ेगी। बिना पॉलिश के ही बाइक एक नंबर चमक जाती है जैसे देख सकते हैं आप। और टैंक पैड भी लगेगा यहाँ पे। बाकी जो नंबर प्लेट थी वो मैंने टाइट कर ही दी है तो आप देख सकते हैं एकदम टाइट हो गई नंबर प्लेट। फाइनली चमक चुकी है हमारी बाइक और यार 1 घंटा लग गया मुझे पॉलिश करने में बाइक में, लेकिन 1 घंटा लगा है, 1 घंटे की मेहनत लगी है, बट बाइक एकदम चमक चुकी है और अपने हाथ से बाइक को चमकाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बाइक हो गई है रेडी और अब टाइम हो गया है दिन के 3 बजे और जल्दी से हमें जाना है शानू के घर, क्योंकि शानू और हम लोग साथ जाने वाले हैं एग्जॉस्ट लगवाने के लिए, फिर हम निकलेंगे मॉडल ग्राउंड। तो जल्दी निकलते हैं। तो अब शानू और हम लोग निकलते हैं जल्दी से और जल्दी से 1-1.5 घंटे में ही एग्जॉस्ट लगवाने का काम करना है खत्म। आज तो गाड़ी बम 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 करेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, अभी बाइक की फेयरिंग निकल रही है, मतलब कि आज फर्स्ट टाइम ही है कि मेरे बाइक की फेयरिंग निकल रही है और यहाँ से फिर रिमूव होगा इसका साइलेंसर, देन हम दूसरा साइलेंसर इंस्टॉल करेंगे। और ये हो चुका है हमारा साइलेंसर रिमूव। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है यार, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इसमें यहाँ से फिट था ये और यहाँ पे शानू खड़े खड़े हो रहा है बोर। तो ये सभी एग्जॉस्ट हम अपनी R15 में ट्राई करेंगे। SC प्रोजेक्ट का है ये, दूसरा वाला भी SC प्रोजेक्ट का है, ये टॉस का है जिसमें 2 होल्स हैं और आप देख सकते हैं। और इसके बाद है एक्रा फॉबिक, वैसे ही पहचान में आ गया बट इसकी ब्रांडिंग कहाँ है, ये रही एक्रा फॉबिक, ये बेस्ट है यार। तो अभी ले लिया है न्यू बैंड पाइप हमने और इसमें ही हमारा जो एग्जॉस्ट है वो ज्वाइंट हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पहले वाले साइलेंसर को ही कटवा कर उसमें न्यू एग्जॉस्ट ज्वाइन करवा सकते हैं।
बट यार साउंड में वो बात नहीं आएगी। हमने ये न्यू बैंड पाइप लिया है तो हमारा साउंड एकदम क्लियर आएगा। और इसी के साथ आप जब मर्जी चाहें अपने पहले वाला साइलेंसर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी भाई हमारी बाइक के लिए निकाल रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा में जो रखे हुए हैं एग्जॉस्ट भाई ने छुपा के, आप देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक और एग्जॉस्ट निकल गया है। इसका कलर देख सकते हैं कितना रेम्बो वाला कलर है, और शायद और भी हैं। सो यार पहला एग्जॉस्ट हम करने जा रहे हैं चेक, तो इसका साउंड चेक करते हैं कि किस तरीके का ये रिजल्ट देता है। ठीक रहा यार वो लगवाओ ना, अभी हमने वही लगवाया। कौन सा वाला? तुम्हारा वाला भी दिखाएंगे। बड़ा शानदार है यार वो। नॉर्मल धीरे धीरे चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नोजल के बाद सुनो साउंड, नोजल निकालेंगे ना बहुत लाउड है ये तो। ये तो खतरनाक है भाई, मारो मारो रेस मारो। भाई ये है ना सही चीज, एक नंबर यार, बहुत ही बढ़िया बेस दे रहा है क्या भाई। मैं तेरी वीडियो बना देता हूँ फिर भी नहीं है वो। और ये देख सकते हैं भाई ने बैंड पाइप में वायर अटैच कर दिया है, मतलब कि वेल्डिंग कराना पड़ता है एक स्क्रू और फिर वायर लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे इंजन में अगर कुछ खराबी होती है तो ये हमारे डिजिटल मीटर पे शो करता है। और ये लग गया हमारा बैंड पाइप, और ये इसका दूसरा पार्ट लग रहा है, मतलब एक पार्ट लग चुका है पहले से ही और ये दूसरा पार्ट है। देन इसके बाद आएगा हमारा एग्जॉस्ट, मतलब कि तीन पार्ट में पूरा काम हो रहा है भाई, देख सकते हो आप। तो ये हो गया कंप्लीट, और ये आ गया हमारा एग्जॉस्ट। तो अभी इसको लगाएंगे, फिट कैसे होता है यार, बहुत जान लग रही है यार इसमें। तो ये भाई पूरी पावर से एग्जॉस्ट को इसमें बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल भी खसके ना। और अभी भी देखो कितनी जान लगानी पड़ रही है, मतलब अभी सही से सेट नहीं हुआ है। सही से सेट करेंगे तभी सही साउंड होगा। ये हो गया टाइट। ये वाली वेल्डिंग है, पीपल वाली वेल्डिंग करवा के पत्ती लगवा देंगे इन पर, इतना बड़ा रिम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये पापा कर रहे हैं एग्जॉस्ट का टेस्ट, देख सकते हैं आप, और कुत्ते पीछे पड़ते हुए। ये कुत्ते कुछ और कह रहे हैं, चले गए जिया भाई, यहाँ नहीं चलेगी। सही है ना, रेस दो थोड़ी। एक नंबर। नमस्ते भैया। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली लग चुका है एग्जॉस्ट हमारी बाइक में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट एक और बार, इसको सुन लीजिए। तो कैसा लगा आपको एग्जॉस्ट साउंड? यार मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आपको लगता है कि आपका साउंड कुछ ज़्यादा ही लाउड है, अगर आप फैमिली में किसी मॉम के साथ या मतलब मम्मी को ले जाने के लिए जब भी जाएं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं डीबी किलर को। तो डीबी किलर इसमें ऐसा फिट हो जाता है और एक स्क्रू कसना होता है बस, तो इसका साउंड को फ्री कंट्रोल कर लेता है। तो साउंड इससे क्या होता है कि ज़्यादा लाउड नहीं जाता,
तो साउंड की लाउडनेस को कम करने के लिए काम आता है। फाइनली लग चुका है एग्जॉस्ट हमारी R15 V3 में। तो फ्रेंड्स यार बहुत ही एक लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं कब अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगवा पाऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही महंगा मॉडिफिकेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा खर्चा होता है। तो अब तक का सबसे महंगा इंस्टॉलेशन करवाया है मैंने अपनी बाइक में, सबसे महंगा यही है, मतलब ऑल ओवर मॉडिफिकेशन में साइलेंसर सबसे महंगा है। तो जब हम इंस्टॉल कराने गए थे ये एग्जॉस्ट, तो हमने कई सारे एग्जॉस्ट देखे, तो आपने भी देखे होंगे, एक दो तो इतने ज़्यादा चीख मार रहे थे वहाँ पे, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा मतलब चीख मार रहे थे। तो उन्हें देख के ऐसा लगा कि यार पता नहीं अब क्या होगा, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद पता नहीं कैसा एग्जॉस्ट लगेगा बाइक में, क्योंकि एक टाइम ही होता है, बार बार कोई इतना पैसा खर्च नहीं करता। और फैमिली को पसंद आएगा कि नहीं, पापा का क्या रिएक्शन होगा, मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, या फिर कॉलोनी में लोग क्या बोलेंगे कि यार इतना शोर कर रहा है। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था इस चीज़ का कि यार अब क्या होगा, अगर गलत चीज़ नहीं लगनी चाहिए, तो मैं बहुत टेंशन में था, अब तक अच्छा नहीं लग गया। और फाइनली जो हमें मिला है ये बेस्ट साइलेंसर है, मतलब कि जैसा कि हमें चाहिए था, मतलब चीखने वाला नहीं, जिसमें से बेस प्रोड्यूस हो। तो हमारे साइलेंसर में क्या है कि बेस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये साइलेंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसा सोचा था वैसा ही एग्जॉस्ट मिला है, एकदम बेस प्रोड्यूस कर रहा है और यार बहुत मस्त है। और इसी के साथ यार फैमिली का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और कॉलोनी में भी सभी लोगों को पसंद आया है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यार मनपसंद एग्जॉस्ट लग चुका है बाइक में, तो अब मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और यार अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहे गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।